लर्निंग विद अ डिफरेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 10 जुलाई की स्कूल प्रार्थना सभा के लिए हिंदी समाचार। सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार। अंडमान निकोबार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, रिएक्टर पैमाने पर 5.3 मापी गई तीव्रता। डिजिटल व्यापार सुविधा देने के प्रयास में भारत सबसे आगे, विकसित देशों को छोड़ा पीछे, यूनेस्कैप ने किया खुलासा। अभी नहीं थमने वाली बारिश का कहर, IMD ने कई राज्यों के लिए जारी की चेतावनी। उत्तर भारत के कई शहर जलमग्न। उत्तर भारत में तेज बारिश की वजह से 17 ट्रेनें रद्द, कुछ गाड़ियों का रूट किया डायवर्ट। 3 दिवसीय यूके दौरे पर जाएंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मुक्त व्यापार समझौते में विस्तार को लेकर होगी चर्चा। मलेशिया की 3 दिवसीय यात्रा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए रवाना, डिफेंस सहित कई क्षेत्रों पर होगी वार्ता। राष्ट्रपति मुर्मू आज 2 दिवसीय विजिटर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, अलग अलग क्षेत्र के लोग होंगे पुरस्कृत। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रपति जेलेंस्की युद्ध के 500वें दिन तुर्की से यूक्रेन के पूर्व कमांडरों को स्वदेश लाए, रूस भड़का। श्रीलंका की नौसेना ने कथित तौर पर श्रीलंका के जल क्षेत्र में मछली पकड़ रहे 15 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। चीन पहुंची अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा, दुनिया हमारे दोनों देशों के विकास के लिए बेहद बड़ी। श्रीलंका में भीषण आर्थिक संकट के चलते सरकार के खिलाफ हुए जन आंदोलन के 1 साल पूरे। समाचार खेल संबंधित। भारतीय विमेंस टीम की आसान जीत, पहले T20 में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया, हरमनप्रीत की कप्तानी पारी। लक्ष्य सेन कनाडा ओपन के फाइनल में, PV सिंधु सेमीफाइनल में बाहर। टॉप सीड अल्कारेज विंबलडन के प्री क्वार्टर फाइनल में चिली के निकोलस जेरी को हराया। श्रीलंका ने जीता CWC क्वालिफायर, फाइनल में नीदरलैंड को 128 रन से हराया। समाचार बिजनेस संबंधित। बैंक ऑफ इंडिया बना रही शेयर बिक्री का प्लान, घट जाएगी बैंक की हिस्सेदारी। GST को लेकर सरकार बना रही प्लान, लागू होंगे नए GST के नियम। रिलायंस ने किया बड़ा फैसला, अब कंपनी फ्री में बांटेगी जियो फाइनेंशियल के शेयर्स, 20 जुलाई को होगा आवंटन। करोड़ों रेल यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, वंदे भारत समेत सभी ट्रेनों का कम होगा किराया। और समाचार में बस इतना ही, धन्यवाद।